एमजी कॉलेज में आयोजित साइबर सुरक्षा यातायात सुरक्षा तथा अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करवाने के लिए आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी में संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि कम उम्र के बच्चे आज बेतहाशा स्पीड में बाइक दौड़ा रहे हैं, जिसे दूसरों के साथ साथ उनका जीवन भी संकट में है। नशे की हालत में भी लोग दुपहिया और चार पहिया चला रहे हैं। बाइक पर दो से ज्यादा लोगों को बैठाना, हेलमेट नहीं लगाना, चार पहिया वाहन सीट चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना खतरों को निमंत्रण देना है। साइबर क्राइम के प्रति विद्यार्थियों को आगाह करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अपने फोन पर किसी भी तरह की निजी या गोपनीय सामग्रियां न रखें, क्योंकि हैकर उसे उड़ा सकते हैं। आज एमजे कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी और ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर 3-in-1 प्रोग्राम जो है वो किया गया, जिसमें कि सभी एक्सपर्ट्स द्वारा जो है पुलिस से आए हुए और फैकल्टी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और कैसे इनसे बचा जाए इसके बारे में डिटेल्ड बातें हुई। हमें उम्मीद है इससे बच्चों को फ़ायदा होगा, आने वाले समय में जो बहुमूल्य जाने एक्सीडेंट में जा रही हैं वो बच पाएंगी, जो बच्चियाँ जो फाइबर के कारण और महिला अपराध की जो होती है उनसे बच पाएंगी, और साइबर फ्रॉड जो मिडिल क्लास को बहुत तेज़ी से घुन की तरह नुकसान पहुँचाता जा रहा है उससे भी लोग बच पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। युवा वर्ग, क्योंकि रिस्क टेकिंग होती है, बिहेवियर होती है, हार्मोनल्स रहते हैं, उस टाइम लोग जो है नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो साइबर फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं। और नए बच्चे आज के दिन में इंटरनेट के युग में जन्म लिए हैं तो वो इंटरनेट फ्रेंडली हैं, उनके पास गैजेट्स हैं, वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। मैंने इनको सलाह दिया है कि कोई भी अनवेरीफाइड ऐप डाउनलोड ना करें, बिना अनवेरीफाइड लिंक पे क्लिक ना करें और कभी भी अपना OTP ना बताएं, जिससे कि साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ, इसको प्रोग्राम नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से एक वर्कशॉप हो गया ये। इसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारा बच्चों को बताया गया कि कैसे उन लोग इस टाइप के फ्रॉड से बचें। रोड सेफ्टी के बारे में सर ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, और इवन ट्रैफिक CSP हमारे साथ है, उन्होंने बच्चों के कई सवालों का जवाब भी दिया, और रक्षा टीम ने महिलाओं को रक्षा के तरीके और बचाओ और उससे कैसे डील करना वो सब बताया। तो ये एक 11:15 बजे से शुरू हुआ प्रोग्राम 3 बजे तक चल रहा है। मीन्स बच्चों में बहुत अवेयरनेस आई और बच्चों ने बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए, उससे ऐसा लगा कि बच्चे बोर नहीं होने और बल्कि उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज का वर्कशॉप करना हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, और SP सर डॉक्टर अभिषेक पल्लव का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं।